जय जी मिल्को, मैं वनिता सुराना चेन्नई से आपको आज ब्रेड उत्तपम सैंडविच बना के दिखाने वाली हूँ। ये सब चीज़ें बनाने के लिए चाहिए: कैप्सिकम हाफ फाइनली चॉप, कॉर्न 3 टेबलस्पून बॉइल्ड, 1 टोमेटो फाइनली चॉप, कोतमल्ली की चटनी, चिल्ली फ्लेक्स, ये डोसा बनाने के लिए डोसा बैटर और 4 स्लाइस ब्रेड। अभी हम तवे को गर्म करते हैं डोसा उत्तपम बनाने के लिए। उससे पहले तवे गरम होने तक ये मसाला मिक्स कर देते हैं। इसमें थोड़ा नमक स्वाद अनुसार डालना है। इसको मिक्स करके रख दो। तवा गरम हो गया। अभी हम दो ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए 2 उत्तपम बनाएंगे। वो कहीं कर रहे थे चुप के अंदर पानी डाल दियो। इसको हम अभी सिकने देंगे। स्लाइटली प्रेस कर देना तो उत्तपम में सही हो जाएगा। इसको सिकने तक हम चटनी हमारे हिसाब आपके हिसाब से लगा सकते हैं। इसको पलटते वक्त ध्यान रखना, उत्तपम को दोनों साइड से सिकने देना। ऊपर से थोड़ा सा घी लगाना। देखते हैं उत्तपम सिक गया है या नहीं। ऑलमोस्ट सिक गया है। अब इस सिका हुआ डोसे को उत्तपम को इसमें रख देंगे। इसको सही से प्लेस करके इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल देना। जिनको स्पाइसी चाहिए उनके हिसाब से डाल लेना, वो न लगाए तो भी चलेगा। ये उत्तपम एक सैंडविच रेडी हो गया तो इसको मैं रख देती हूँ। ये सिर्फ फ्लेम पे ही रहना। अभी हाई फ्लेम पे कर देते हैं। ऊपर घी लगाने के बाद उसको उल्टा कर देंगे। दूसरी साइड पे भी घी लगा देंगे ताकि वो क्रिस्प बने। ये रहा आपका ब्रेड, ये सैंडविच रेडी हो गया। इसको अभी हम कट करके केचप के साथ सर्व कर देंगे।